उपमंडल अधिकारी कांगड़ा डॉक्टर विकास सूद ने साधुपुल क्षेत्र में अश्विनी खड्ड के आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के उपरांत स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों, होटल मालकों व विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन भी किया गया। उपमंडल अधिकारी ने पर्यटन एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि साधुपुल में अश्विनी खड्ड के आसपास नियमित औचक निरीक्षण किया जाए ताकि क्षेत्र में कानून व्यवस्था कायम रहे। उन्होंने आदेश दिए हैं कि क्षेत्र में धारा 144 के उल्लंघन करने पर भी कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। डॉक्टर सूद ने पर्यटन विभाग को निर्देश दिए हैं कि समूचे क्षेत्र में बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के कार्य कर रहे होटलों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को भी दिशा निर्देश दिए कि क्षेत्र में अश्विनी खड्ड के किनारे ऐसे स्थानों पर बाड़बंदी की जाए जहां पर्यटक एवं वाहन नदी में जाते हों। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में मुख्य स्थानों पर धारा 144 के संबंध में सूचना पट स्थापित किए जाएंगे ताकि पर्यटकों को आवश्यक जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि अमूल्य पेयजल को दूषित होने से बचाने के लिए नियम पालन में कोई भी कोताही सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनकर ही रखें। उन्होंने पुलिस विभाग को भी दिशा निर्देश दिए कि मास्क ना पहनने वाले तथा धारा 144 का उल्लंघन करने पर विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाए। साधुपुल एरिया के आसपास और अश्विनी खड्ड में सारे एरिया में धारा 144 कल से लगा दी गई है माननीय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार। और इसी सिलसिले में आज एक यहाँ पे मीटिंग रखी गई थी उपमंडल स्तर के जितने अधिकारी हैं उनके साथ, पंचायत के प्रधान, होटल एसोसिएशन और स्थानीय लोगों के साथ। तो दो तीन इश्यूज बड़े इंपॉर्टेंट थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था कि जो धारा 144 है इसको कैसे इन्फोर्स करना है। वो SHO यहाँ पे आए थे और उनको बताया गया कि भी आप इसमें थोड़ा स्ट्रीमलाइन करो, जो लोग आते हैं प्रॉपर अपनी गाड़ियाँ प्रॉपर पार्किंग करें, अनऑथराइज अगर पार्किंग करते हैं उनके चलान करें, बिना मास्क के कोई आए तो उनका आप चलान करें, और रेगुलर यहाँ पे उनके गश्त होनी चाहिए सुबह से लेकर रात तक। और अगर और दो तीन लोगों के थ्रू रेगुलर यहाँ पे लोगों को सचेत करते रहें कि धारा 144 लगी है और आप इसका जो इसका पालन करें और इसका उल्लंघन ना करें। दूसरा, जो गाड़ियाँ बार बार अश्विनी खड्ड के अंदर लोग चले जाते हैं गाड़ियाँ लेके और नहाते हैं, उसके लिए ये ज़रूरी किया गया कि PWD यहाँ पे बार बार लगाएगी ताकि गाड़ियाँ वहाँ पे ना अंदर जा सके और वो अपना जो प्रॉपर डेजिग्नेट जगह है उनको वहाँ पे खड़ी की जा सके। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और बाकियों को बताया गया कि इसके रेगुलर पानी के आप सैंपल वगैरह लेते रहें ताकि किसी तरह की कोई पानी के पानी पीने के पानी की कोई दूषित होने वगैरह की कोई इशू ना रहे।